नमस्कार साथियों, मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारी सी क्लास में जिसका नाम है डीजे सर क्लासेस। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर जो पिछला चैप्टर अपन ने कवर किया है वो था अपना अच्छा सा चैप्टर, अपन कवर कर चुके हैं। दोस्तों, आज कवर करने वाला है कोई एक नया चैप्टर, नया इंटरेस्टिंग चैप्टर आज कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने कल वाली क्लास अभी तक मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस क्लास को जाके विजिट कर सकते हैं। आपको YouTube चैनल पर जाकर इजीली मिल जाएगी। YouTube चैनल पर जाकर आपको डीजे सर क्लासेस कोटा ऐप को सर्च करना है, वहां से क्लासेस आपको सारी मिल जाएगी। और फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन न्यू क्लासेस की मिलती रहेगी। ये तो हो गई YouTube की बात। उसके बाद मैं बात करता हूँ ऐप पर पढ़ रहे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है साथियों। अगर उन्होंने पिछली क्लासेस को अभी तक जाके नहीं देखा है तो वो मेरी पिछली क्लासेस को जाके देख सकता है। और अगर आप कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो SSC की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे रेलवे की हो, अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत और बेहतरीन बनाना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए आपको ईजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, Test 1 सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, Test 1 जो अपने को मिलेगा कहाँ मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से। सबसे पहले तो आप डीजे सर क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट स्टोर पे जाना है, वहाँ से आपको Test 1 सब्सक्राइब करना है। Test 1 सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर कैटेगरीज के अंदर, चाहे अपना साइंस हो, चाहे अपना रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, वहाँ से हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, ये तो होगी सारी क्लासेज के रिगार्डिंग जानकारी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। अब चलते हैं आज की क्लास में सर पढ़ने के वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम रहने वाला है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले अपन क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है अपना रहने वाला है, राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आपको संघर्ष करते रहना है, अपना संघर्ष बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप सूरज की तरह चमकोगे। आई होप आपको मोटिवेशनल कोट अच्छा लगा होगा। अब करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सभी टॉपिक लगा लेंगे आज की क्लास का जो चैप्टर रहने वाला है अपना रहेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में बोला जाता है आव्यू। हिंदी में क्या बोला जाता है, आव्यू बोला जाता है। और मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो देखो, मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे साथियों, आपको रो और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की फॉर्म में कुछ अरेंजमेंट दिया जाएगा। दो अरेंजमेंट आपको मिलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। ये कोई पहला अरेंजमेंट है अपना, ये पहला अरेंजमेंट है। ये वाली रोज है, ये वाले कॉलम है। अब इनमें देखो क्या किया गया है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है, देखो इसमें जीरो यहाँ मत डालना, इसको खाली छोड़ना है अपने को। इसमें जीरो यहाँ से ले लो आप, जीरो 1 2 3 और एक लाइन और बना लो अपनी 4। उसके बाद 0 1 2 3 और एक लाइन और बना लो 4। देखो, ये पहला कॉलम आपको दिया गया है, उसी प्रकार से आपको दूसरा कॉलम भी दिया जाता है।
आगे चलते हैं, ये अपना 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, ये दूसरा कॉलम है, एक पहला कॉलम है ये वाला और दूसरा कॉलम है ये वाला। इन दोनों कॉलम की हेल्प से देखो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर इस पर मान लीजिए जैसे कि कुछ लेटर मैंने यहाँ डाल दिए, इस पर क्या लेटर डाल रहा हूँ मैं, आर टी पी यू और ई, ये मैंने डाल दिए। अब इसको फिलअप कर रहा हूँ मैं, ई यू पी टी आर, आर टी पी यू ई, देखो यू सेम आ गया अपना, यू सेम नहीं करना है अपने को, इसमें आप ले लो ई और यू, पी को भी सेम नहीं करना है, पी टी आर टी पी ई यू पी टी आर। यहाँ देखो इसको फिर से बनाते हैं, आप इसमें कोई से भी लेटर ले सकते हैं लेकिन लेटर किस प्रकार से लेने हैं अपने को देखो, कुछ भी ले लीजिए आप, के एन टी यू एस। अब नेक्स्ट अगर आप लेने जा रहे हैं तो एस यू आप एन टी के ले सकते हैं, उसके बाद अगर आप ले रहे हैं तो टी एस टी एस के एन यू ले सकते हैं, उसके बाद आपका इससे हो गया यू एन आ गया, के एस केस में आ चुका है, ऐसा आ चुका है यू के एस एन आप ले नहीं सकते और टी भी आप नहीं ले सकते, उसके बाद यू एस के आपने ले लिया है। देखो ये होगा कैसे, यहाँ पर अपना कोई भी लेटर सेम नहीं आना चाहिए, क्रॉस वर्ड की तरह अपने को करना है इनको, के एन टी यू एस इसमें आपने ये लिख लिया, दूसरा देखिए एस की यू टी एन, एस के यू टी एन, उसके बाद आप लिख लीजिए टी यू एन एस के, टी यू एन एस के और एन टी एस के यू, एन टी यू हो गया, यू एस के एन टी और लास्ट है अपना एन टी एस के यू, एन टी एस के यू, ये अपना पहला मैट्रिक्स है। इसमें कोई भी लेटर क्या हो रहा है दोस्तों, अपना मैच नहीं कर रहा है, मैच इन द सेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में सेम नहीं मिल रहा है, सब अलग अलग है, ये पहला है। दूसरा देखिए, दूसरा अगर आप बना रहे हैं तो दूसरा क्या बना सकते हैं, एम ओ एल ई वी, एम ओ एल ई वी, पहले आपने ये लिख दिया, उसके बाद आप लिख रहे हैं वी एम ओ एल ई, वी एम ओ एल ई, उसके बाद आप इसमें क्या फिलअप कर रहे हैं, एल ई एम एल ई एम वी ओ, और उसके बाद ओ वी ई, ओ वी ई एम एल, और उसके बाद देखिए साथ ई एल वी ओ एम, ई एल
VOM। ये आपने दो मैट्रिक्स बना लिए। इन दो मैट्रिक्स के बनाने के बाद अब आपसे बोला गया है, जैसे कि पहले मैट्रिक्स हैं आपको टी को किस प्रकार से लिखा गया है। पहले मैट्रिक्स से टी को जो लिखा गया है बेटा, वो लिखा गया है 0-2। आप टी को किस प्रकार लिख सकते हैं, 0-2, 1-3, और आप लिख सकते हैं 4-1, और टी को लिख सकते हैं आप 3-4। इस प्रकार आप इस टी को लिख सकते हैं, और 2-0 से भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे इसमें जैसे पहले मैट्रिक्स से टी के लिए 0-2, 13-41, 34, 2-0 लिखा गया है। इसमें देख लीजिए एम के लिए जैसे एम के लिए क्या लिखा गया है, 55, और एम के लिए लिखा गया है 66, और एम के लिए लिखा गया है 77, और एम के लिए लिखा गया है 88, और एम के लिए लिखा गया है 99। एम के लिए क्या लिखा गया है, 55, 66, 77, 88 और 99 लिखा गया है साथियों। तो आपको जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जैसे कि इसमें मान लीजिए आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि एस ई एल ई एस एस टी एस टी उसके बाद है आपका एन एल ई स्टेल, इसका कोड क्या होगा। आपसे पूछ लिया कि इसका कोड क्या होगा और ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। अभी फिलहाल के लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लो आपको स्टेन का कोड लिखना होगा तो एस को कहाँ ढूंढेंगे आप, एस को यहाँ ढूंढेंगे, एस को यहाँ ढूंढेंगे तो एस ये रहा अपना, एस ये रहा, तो इसके लिए क्या कोड रहेगा अपना, इसको कैसे लिखा गया है, 0-2, टी को 0-2 लिखा गया है, 0-2 इट मीन्स पहले क्या लिखी गई है, रो, फिर क्या लिखा गया है, कॉलम। तो एस में भी आप पहले वही लिखेंगे, एस के लिए रो क्या है, 0, और कॉलम क्या है, 4, तो इसका कोड क्या होगा, 0-4, एस का कोड क्या हो जाएगा, 0-4। तो एस के लिए आप 5 कोड लिख सकते हैं साथियों, एस के लिए क्या कोड लिख सकते हैं, 5, कौन कौन से एस, ये रहा एस 1 और 0 भी लिखा जा सकता है, एस को आप 2-3 भी लिख सकते हैं, और एस को आप 3-1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद एस को आप एक और चीज़ लिख सकते हैं दोस्तों, कौन सी, 4 और 2 लिख सकते हैं। एस के लिए आप ये 4 कोड 5 कोड बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है अपना कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है साथियों, तो ऑप्शन में जो आपको दिया जाए उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो चले क्वेश्चन करते हैं अपन कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर, स्टेन का आपको करना है, वैसे टी के लिए भी आप लिख सकते हैं, एन और एल के लिए भी आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे मैं मैट्रिक्स बनाता हूं, देखना मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, एक दो तीन चार इसके लिए 0-1-2-3-4 1-0-1-2-3-4
इसमें ये है आपका 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद इसमें कुछ ये अपनी पहली मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स भी साथ के साथ बना लीजिए यहीं। उधर क्वेश्चन कर लेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 और ये अपना हो गया 6। इसको हटा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें नंबर डालिए, इसमें आप क्या कीजिए नंबर डाल लीजिए, ये अपनी 5, 6, 7, 8 और 9। ये है 5, 6, 7, 8 और 9। ये दो मैट्रिक्स है दोस्तों, ये पहली मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है, आपको दी गई है दोनों। और इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि क्या लिखे हुए हैं, ASU, ASUEO। इसमें ये लिखा गया है, फिर उसके बाद लिखा गया है UO ESA ESA। उसके बाद क्या लिखा गया, SA O O U E ASOUE, सॉरी SA करो इसको, SAOUE। उसके बाद लिखा गया है आपको EU EU AOS और आपको लिखा गया है OE SA U। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है, CRTPN CRTPN। फिर लिखा गया आपको NPCTR NPCTR। फिर लिखा गया आपको PCRNT PCRNT। फिर लिखा गया आपको TNPRC TNPRC। फिर लिखा गया है आपको RTNCP RTNCP। दोस्तों ये आपको लिखा गया है, आपको ये सब दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ जैसे भी देख लो, जैसे जैसे आपको यू के लिए कोड दिया गया है, जैसे आपको यू के लिए कोड दिया गया है, क्या कोड दिया गया है, 20 और 01 और 32 ETC एटसेट्रा। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और इसमें जैसे सेकंड मैट्रिक्स में आपको दिया गया है किसके लिए कोड, आर के लिए कोड दिया गया है साथियों, आर के लिए कोड क्या दिया गया है, 65 और कोड दिया गया है आर के लिए 65 है और आर के लिए है 96 और आर के लिए कोड है 88 एटसेट्रा। आप समझ गए होंगे, आपको ये सब क्वेश्चन में गिवन मिलेगा साथियों, ये सब कुछ जो दिया गया है अरेंजमेंट ये क्वेश्चन में मिलेगा। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे, देखो आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, SENT क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, SENT का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है SENT का कोड क्या होगा। और ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं आपको, ए ऑप्शन दिया गया है आपको 01 96 85 और आपको दिया गया है 57। बी ऑप्शन आपको दिया गया है, बी ऑप्शन क्या दिया गया है आपको 86 01 85 75। सी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, सी ऑप्शन भी देख लो आप, सी ऑप्शन आपको दिया गया है
02 02 30 95 और दिया गया है आपको 97 और डी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है 30 95 97 और 02। दोस्तों ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये सब आपको एग्जाम में मिलेगा, ये सब अरेंजमेंट आपको एग्जाम में मिलेगा, आपको इनको पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता है, इससे क्वेश्चन इजी ही आता है। देखो इजी कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले आपको अगर इसको चेक करना है ना तो पीछे वाला चेक करो। हमेशा मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए दोस्तों पीछे वाले लेटर से सोल्व किया करो। जैसे कि पीछे वाला लेटर है अपना क्या है, टी है, तो टी के लिए आप देखेंगे क्या क्या कोड बन सकता है। टी कहाँ है, यहाँ है, तो 75 बन सकता है, यहाँ तो 57 है, क्या हो सकता है, क्या टी और देख लो, 86 बन सकता है, 97 बन सकता है। पहले सबसे पहले टी का कोड निकाल के रख लो, टी के लिए क्या क्या कोड बन सकता है। टी यहाँ है तो यहीं से बनेगा, 75 बन सकता है, पहले कॉलम को लिखेंगे फिर रो को लिखेंगे। फिर टी के लिए क्या बन सकता है, 86 बन सकता है। फिर टी के लिए क्या बन सकता है, 97 बन सकता है। फिर टी के लिए 58 बन सकता है और फिर टी के लिए देखो 69 बन सकता है। ये पांच कोड टी के लिए बन सकते हैं अपने। अपने को सबसे पहले पीछे वाले से चेक करना है, पीछे वाले लेटर से चेक करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। 75, 86, 97, 58, 69 अगर इन पांचों में से कोई एक लेटर आपको इन ऑप्शन में मिल जाए, दैट मीन्स वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। देखो कैसे करेंगे इसको, पहले वाला 57 नहीं बन सकता, इस टीका कोड नहीं होगा, 75 भी नहीं बन सकता, 97 बन सकता है और 02 बन ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें आपका आंसर सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, पार्ट और स्पेंट का आपको कोड बताना है। अब जो आपको कोड बताना है, किसका कोड बताना है, पार्ट का कोड बताना है। पी ए आर टी का आपको कोड बताना है और ऑप्शन क्या है, देखो आप ऑप्शन ऑप्शन देख लो, 85 है और 00 है और टी टी का देखो 75। अगला देखो 85 95 00 और टीका कोड क्या है अपना, टीका कोड है 97 ले लेता हूँ मैं इस बार। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या हो सकता है, आपको स्पेंट का पार्ट का कोड बताना है, पार्ट का कोड बताना है आपको, तो 66 से आप ले सकते हैं, उसके बाद 00 से ले सकते हैं और उसके बाद आर 95 और 75 ये आपने ले लिया और डी ऑप्शन देख लीजिए आप, पार्ट का बताना है आपको तो 99 और 12 59 69। दोस्तों ये आपके ऑप्शन हैं, ये आपके ऑप्शन हैं। चलो चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका वही है। सबसे पहले वाले पिछले लेटर को देखिए, टी टी का कोड अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको क्या था, 75 टी का कोड, 75 टी का कोड देखिए 86 है, उसके बाद टी का कोड है अपना 97 है और टी का कोड है अपना 58 है और टी का कोड है अपना 69 भी है। तो ये टी के कोड है, देखो टी के कोड किस किस में मैच कर रहे हैं, 75 इसमें भी है, 97 इसमें भी है, 75 इसमें भी है, 69 इसमें भी, यानी चारों ही हो सकते हैं अभी फिलहाल, अभी चारों ही अपने आंसर हो सकते हैं। जब भी टी आपका चारों में ही आ रहा हो तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, हाँ फिर करेंगे उससे उसके पहले वाले लेटर को चेक करेंगे। टी आपने चेक कर लिया, फिर उसके पहले वाले लेटर को चेक करेंगे। तो आर के लिए देखो कोड क्या क्या हो सकता है, आर के लिए हो सकता है 65, आर के लिए 65, आर के लिए 96
और R के लिए है 77, सॉरी हाँ R के लिए है 77 और R के लिए है 88 और R के लिए है 59, R के लिए है 59 अपने कोड हैं। ऊपर दिख नहीं रहे होंगे आपको, देखो इसको नीचे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं R के कोड क्या क्या हैं। R के कोड हैं बेटा 65, 96, 77, 88 और 59, ये R के कोड हैं, ये R के कोड हैं। तो आपने T तो चेक कर लिया, T तीनों में आ रहा था, फिर उसके पहले वाले लेटर को चेक करेंगे आप, उसके पहले वाले लेटर को चेक करेंगे तो क्या क्या मिल रहा है आपको, 65, 96, 77, 65 मिला नहीं मिला, इनमें से कोई एक मिला नहीं मिला, 00 भी नहीं होता, 95 भी अपना नहीं होता, तो ये नहीं होगा, कौन सा होगा फिर, 59 आ रहा है डी वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा अपना डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को ऐसे ही करना है। चलते हैं एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इससे, कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है टीयर का कोड क्या होगा, किसका कोड, टीयर का कोड क्या होगा, टी ई ए आर का कोड क्या रहने वाला है। देखो 58 ऑप्शन ए है, फिर ई का है अपना 30, उसके बाद ए देख लो क्या है 12, और उसके बाद है आर का कोड 60, उसके बाद देखो 30, 97, 65 और 85, उसके बाद कोड देख लो 21, 56, 97 और 03। नेक्स्ट है अपना 85, 21, 56 और 65। ये चार ऑप्शन दे दिए मैंने, इन चारों ऑप्शन से आपको चेक करना है कि कौन सा अपना आंसर सही होगा। तो चेक करें, पीछे वाला चेक करें हमेशा, आर का भी थोड़ी देर पहले आपको कोड बताया गया था, आर का कोड क्या क्या है, 65 है, उसके बाद क्या है 96 है, उसके बाद 96 है, 96 के बाद 77 है, और आर का कोड है अपना 88 है, और 88 के बाद है अपना 59 है, ये R के कोड हैं दोस्तों। तो R को चेक करो सबसे पहले क्या क्या है, 65 है, 65 तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकते, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट कर दिए अपन ने। अब आंसर होगा या तो A होगा या D होगा, लेकिन A और D को में से सही करने के लिए आप फिर क्या करेंगे, वापस से आप A को चेक करेंगे दोस्तों। जब A को चेक करेंगे तो A के लिए कोड लिखेंगे, A का क्या कोड क्या क्या है 00, उसके बाद A का कोड क्या है, A का कोड है यहाँ से 41, उसके बाद ए का कोड है अपना यहाँ से 12, उसके बाद ए का कोड है अपने यहाँ से 23 और ए का कोड है यहाँ से 34। आपने आर का कोड तो चेक कर लिया, दोनों में मैच हो रहा था, दो में मैच नहीं हो रहा था, दो को क्रॉस कर दिया, दो को आपने कंसिडर किया। उसके बाद सेकंड वाले को देखेंगे, सेकंड वाले को देखो 56 आ रहा है क्या ए में, 56 कहीं नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता, फिर कौन सा होगा ए वाला, तो ए वाला अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए दोस्तों आप यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे और इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दोस्त हैं वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि जो जितने स्टूडेंट्स हैं अभी तक उनके पास ये इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं पहुँच पाई है वो पहुँच पाएँ, उनका भी भला हो सके। आपको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वहाँ तक ये वीडियो जरूर जाना चाहिए। आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच सके। तो ये थी आज की क्लास मैट्रिक्स के रिगार्डिंग अपन ने रखी थी। आई होप आज के बाद आपको मैट्रिक्स से कोई समस्या नहीं होगी, मैट्रिक्स को आपको इसी तरह से
सॉल्व करना है, क्वेश्चन आ जाए तब भी फटाफट से ऐसे ही इसको बनाना है। बोर्ड अपना डिजिटल नहीं है, बोर्ड अपना ऑफलाइन बोर्ड है, इसमें टाइम लगता है लिखने में, आई होप मैं समझ सकता हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, वरना इतना बड़ा चैप्टर है नहीं है, जल्दी से फिनिश हो जाता है। आपको इसकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी, प्रैक्टिस इसकी करने के लिए आपको करना क्या होगा, डीजे सर क्लासेज ऐप कोटा को डाउनलोड करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से फिर आपको इस पर रजिस्टर्ड होना है, रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आपको इसमें स्टोर पर जाना है, स्टोर पर जाने के बाद आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना है। टेस्ट वन सब्सक्राइब होने से क्या होगा, करने से होगा क्या सर, इससे ये होगा कि आप पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके टेस्ट वहां पर लगा सकते हैं, चाहे आप मैथ्स में पढ़ रहे हैं, चाहे रीजनिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस या इंग्लिश या हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से आप टेस्ट वो लगा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वो रहेगी किसी नए चैप्टर के रिगार्डिंग। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।